देर रात कैथल से दिल्ली जा रहे तीन युवकों समेत एक कार पानीपत की कच्ची नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कैथल जिले की कुल्लाह तहसील के मस्तगढ़ गांव का जसप्रीत अपने दो साथियों के साथ दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए खाद्य सामग्री और पीने का पानी लेकर जा रहा था। देर रात करीब 10 बजे जब गाड़ी पानीपत की कच्ची नहर के रास्ते दिल्ली की ओर जा रही थी तो सिवा बाईपास के पास ज्यादा धुंध होने के कारण आगे का बंद रास्ता दिखाई नहीं दिया। वह गाड़ी सीधा नहर में जा गिरी। जसप्रीत के दोनों साथी किसी तरह नहर से बाहर आ गए, लेकिन जसप्रीत तेज बहाव के कारण बाहर नहीं निकल पाया और तेज बहाव के साथ बह गया। रात से ही पानीपत पुलिस व गोताखोरों द्वारा जसप्रीत की तलाश की जा रही। हम कैथल से आ रहे थे दिल्ली में जा रहे थे किसानों की सेवा के लिए। पानी लेकर दूध वगैरह था और हम इधर से आ रहे थे और हमें कोई इंडिकेशन नहीं था रोड का। गाड़ी सीधी नहर में उतर गई। गाड़ी में तीन लोग थे, दो तो हम सुरक्षित निकल गए, एक अभी लापता है। ये तीन लोग थे, ये आ रहे थे अपने पसौल से, एक यादविंदर सिंह, एक गुरकरण, एक अपना जसप्रीत। ये अपने सेवा से जा रहे दिल्ली। ये अपने कोई करीब 8:30-9 का टाइम है तो लै के अपना कोई पानी की बोतलें, कोई दुध भी बेचे दे बेचे तो लै के जा रहे थे। अगर जो रोड है बहुत साफ ही, तो अगर कोई लगा नहीं होने लाया अगर चीज़ वो तो अगर जाते जाते गड्डी कंट्रोल नहीं हुई सीधी अपनी पहाड़ है गिर गई, अगर कोई इनवेटर नहीं आया अगर। तो तीनों चल गए, फिर दो निकल गए, उन्होंने कढ़ते रहे, कोई चीज़ सुट्टी है तो वह हाथ नहीं पाया कि चीज़ में, तो आप मंगाए ने अपने उन्होंने गोताखोर तो उन्होंने कढ़ रहे हैं।